हेलो फ्रेंड्स, आप IAS डेली माइंड मैप डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम अपने इस सीरीज़ में UPSC सिलेबस वाइज टॉपिक बाय टॉपिक माइंड मैप का डिस्कशन करेंगे, चाहे वो GS पेपर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, चाहे वो करेंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक हो या फिर स्टैटिक पोर्शन से संबंधित हो, हम सारे टॉपिक पर माइंड मैप का डिस्कशन करेंगे। आज हम अपने डिस्कशन में GS पेपर 2 के मूल अधिकार पर माइंड मैप का डिस्कशन करेंगे। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। इसके माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आपको संबंधित टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने में भी मदद करेगा। चलिए हम आज का अपना माइंड मैप डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें मूल अधिकार का, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में लिखा गया है। जब मूल अधिकार को भारतीय संविधान में लिखा गया था, उस समय कुल 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 31, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया। अब वो एक कानूनी अधिकार है, जो कि भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स एक एक करके मूल अधिकारों का, तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकार को के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता को दिया गया है मूल अधिकार के रूप में। अनुच्छेद 29 और 30 शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार की बात करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 का, तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन करता है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के बनाए रखने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। उन 5 प्रकार के रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध रोक लगाना, उत्प्रेषण आगे भेजना, अधिकार प्रेक्षा किस अधिकार के साथ आप कार्य कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत यदि हम बात करें अनुच्छेद 13 का, तो इसमें कानून शब्द का वर्णन किया गया है। कानून चाहे वो स्थाई कानून हो, अस्थाई कानून हो, सांविधिक कानून हो या फिर संवैधानिक कानून हो, ये चारों किन चीजों से मिलकर बनती हैं? अध्यादेश, आदेश, कस्टम कानून या फिर नियम या विनियम, इन सारे चीजों को मिलकर कानून बनाया जाता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को लिखा गया है, यानी कि किसे राज्य माना जाएगा। इसी के अंतर्गत चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, संसद हो या फिर राज्य की विधानसभा हो, इन सारे लोगों को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है। साथ ही यदि कोई स्थानीय निकाय है जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से पैसे लेती हो, तो उसे भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि कोई ऐसी निकाय है जो भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है, तो उसे भी राज्य के अंतर्गत माना जाता है। यदि हम बात करें मूल अधिकार की विशेषता का, तो फ्रेंड्स ये नॉट एब्सोल्यूट है। हालांकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन फिर भी इस पर राज्य द्वारा सीमा लगाए जा सकते हैं, रोक लगाया जा सकता है। मूल अधिकार अस्थाई है, यानी कि नॉट परमानेंट है, क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि आधारभूत संरचना का नुकसान न हो। मूल अधिकार को हटाया भी जा सकता है आपातकाल के दौरान, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मूल अधिकार की अन्य विशेषता जो है वो न्यायोचित है। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, तो वह व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने आज हमारे अपने डिस्कशन में मूल अधिकार पर माइंड मैप को देखा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस माइंड मैप को
वीडियो को रोककर लिख लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। हम कल निश्चित रूप से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ माइंड मैप लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।